पंडित जी आपसे जान लेते हैं कि आज आप किस ग्रह के बारे में बताने वाले हैं दर्शकों को, क्या उसके बारे में भ्रांतियां हैं बताइए जी। आज हम लोग शनि के विषय में बात करें। दर्शकों, शनि को लेके एक बहुत भय व्याप्त है। जब शनि की बात आती है तो शनि की साढ़े साती आ जाती है, एक जहन में आता है कि शनि जो है अब खराब करेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, काफ़ी कुछ निगेटिव थॉट्स दिमाग में आ जाते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि शनि कितने पॉजिटिव हैं, कैसे इनका सदुपयोग किया जा सकता है। अगर शनि को आपने समझ लिया तो दर्शकों, आपको शनि की साढ़े साती बहुत स्मूथली निकल जाएगी। जिस प्रकार से हम सामने वाले व्यक्ति का अगर नेचर जान लें तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना डे प्लान करने लगें, उसी के अनुसार हम चलने लगें, तो सबसे बेहतर तरीका होता है उसको प्रसन्न करने का। आज हम आपको शनि के विषय में ही बताएंगे। शशि जी, आप शनि ग्रह के बारे में जिक्र कर रहे थे, उसके नेचर के बारे में जिक्र कर रहे थे, विस्तार से दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ करना है जिससे शनि के नेचर को वो समझ सकें, उसके प्रभाव को समझ सकें, बातें बताइए। बिल्कुल, एक्चुअली शनि को लेकर थोड़ी क्लियरिटी होनी चाहिए, उसके नेचर को लेकर, उसी विषय में हम आज चर्चा करेंगे। दर्शकों, शनि को लेकर जो कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ डर है, ये सारी भ्रांतियां हम क्लियर करेंगे आपको। शनि बहुत धीरे धीरे वर्क करते हैं। पहला नेचर आपको ये समझना है कि शनि को किसी बात की जल्दी नहीं है, वो कोई भी काम जल्दी नहीं करते हैं, शैने शैने करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। अब जब शनि के साढ़े साथी से लोग कनेक्ट करते हैं, जैसे ही शनि का नाम आता है तो व्यक्ति को लगता है कि शनि के साढ़े साथी, जो शनि के साढ़े साथी का जो भय है कि अब शनि के साढ़े साथी आ गई तो अब चोट लगेगी, अब काफ़ी दिक्कतें हो जाएंगी। पहली चीज़ समझिए कि शनि जो है वो ईश्वरीय ऑडिट है, यानी वो एक ऑडिटर है। शनि न्याय के देवता हैं, सभी प्लैनेटों में वो एक जज हैं, न्यायाधीश हैं, तो उनका सारा फोकस ये है कि आपके कर्मों को वो ऑडिट करेंगे। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा रिजल्ट देंगे, खराब किए हैं तो उसको दंड देंगे, उसको सुधारेंगे। शनि का व्यक्तिगत रूप से किसी से कोई विवाद नहीं है। तो जब भी शनि की बात आए तो शनि का जो पहला नेचर है वो धीरे धीरे, तो जब भी आपको अगर शनि को खुश करना है तो हर काम जो करिए, जो भी आपको काम दिया जा रहा है उसको आप टाइम लगाइए, लेकिन उसमें क्वालिटी आनी चाहिए। शनि मेहनत का देवता है, शनि जो है वो लॉर्ड ऑफ लेबर हैं, यानी जितने ग्रास रूट पे जो श्रमिक होते हैं उनके स्वामी हैं, उनको प्रतिनिधित्व करते हैं। तो शनि को प्रसन्न करने के लिए आपको उनको प्रसन्न करना होगा। अब शनि अगर नीचे तबके को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, मेहनत को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब आपको उसको खुश करने के लिए मेहनत करनी होगी। शनि को लेकर जो हम चर्चा कर रहे थे उसे अब आगे बढ़ाइए। बिल्कुल, देखिए शनि को चर्चा के लिए तो बहुत विस्तार है, इसको हम लोग कई क्रम में विस्तार से करेंगे। तो जो आज के विषय में जो हम बता रहे हैं, शनि को लेके एक बात आज गांठ बांध लीजिए कि भयभीत नहीं होना। विस्तार से हम लोग लगातार अगले रविवार भी चर्चा करेंगे और ये शनि को और डिटेल में हम लोग समझेंगे। स्वभाव में केवल इतना समझना है आज कि वो बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, उनके काम में क्वालिटी है। जिसके काम में क्वालिटी होगी वो जो भी सामने वाला व्यक्ति होगा उसकी भी क्वालिटी ही देखना चाहता है, तो हम लोग भी क्वालिटी करें। और ग्रास रूट यानी कि जो आम आदमी है उससे उसको हीन भावना से ना देखें, आम आदमियों की तरह हम लोग रहें, और अहंकार नहीं आना चाहिए। एक खास बात है कि इसमें अहंकार नहीं आना, शनि को अहंकार नहीं पसंद है, तो बहुत धैर्य के साथ रहेंगे। और भी शनि के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे चल के। तो उम्मीद करते हैं कि पंडित जी जो बातें आपको बता रहे हैं उन बातों का आप ध्यान रख रहे होंगे और अपने जीवन में उतार रहे होंगे ताकि अच्छे फल आपको मिल सके।